न्यूज 13 जय हिंद। फोटो आप दे दो, फोटो नहीं दो ये फोटो। पब्लिक को संभालने के लिए ना कि उसके ऊपर जुर्म करने के लिए। पब्लिक से तो ये है भड़वे लोग है, भड़वे लोग दलाली खाते मादक के होते हैं। जब वो लोग जहाज पे बैठे उसको संभालो, उसको संभालो भैया। अरे बेटा मांग करे, कोई कोई कुछ मांग करे नहीं होता है। ऐसा आगे मैं बोलूँ 5 करोड़ तो ऐसा थोड़ा होता है। पानी है क्या? पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। पानी है क्या? पानी जो भी करके 302 का लगना चाहिए। और जो लड़की लड़कों ने झूठ जबरदस्ती इनको फंसाया उनपे भी केस, उनको भी केस में लेना चाहिए। और इसको कम से कम 25 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। और अगर कोई इंक्वायरी होती है तो वो इंक्वायरी पूरी की पूरी मजिस्ट्रेट के गाइडलाइन में होना चाहिए, मनमानी पुलिस की नहीं होना है। कोई सीआईडी इंक्वायरी से फायदा होने वाला नहीं, मुझे मालूम है कि पुलिस सब मिली देती है। और खासतौर से ये हमारे जो क्या यूपी के बिहार के लोग आते हैं ना, इनको ये लोग इंसान नहीं समझते हैं। और ये इनकी इनकी तरफ से मैं पूरी ताकत का लड़ाई लड़ूंगा ये, लेकिन ये इंक्वायरी के नाम पर बेवकूफ बनाना नहीं। दोषियों उनके 302 लगना चाहिए, इसकी वजह से मारा है ये। 302 होने चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। सस्पेंशन से कुछ नहीं होता, ये सस्पेंशन दिखा। ये पुलिस का बहुत बड़ा गुंडागर्दी पुलिस की है। पुलिस के अपने आप को क्या समझती है? पुलिस को रखा गया है जनता की हिफाजत के लिए, गुंडागर्दी के लिए रखा गया है। और पुलिस को डंडा अंग्रेजों ने जो दिया ना, वो डंडा उठा के पुलिस मारती है। मैं तो कहता हूँ ये डंडा उठा के खुद पुलिस को मारना पड़ेगा, ये जमाना आ गया है। एक मच तड़प रही है बच्चा, इसको क्या गलती इसकी थी इस तरह से करेगा? मेरी मांग है ये पूरी कि सरकार तुरंत उन लोगों पे 302 का केस ले। और जो भी इंक्वायरी है, इंक्वायरी क्या मतलब, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर एक मिनट, अगर कोई एक आम आदमी आता है एक कंप्लेन करने, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसकी FIR ली जाए। इनकी FIR क्यों नहीं ली जाती अभी? इनकी FIR उन अफसरों के ऊपर 302 के लेना ही चाहिए, ये मेरी मांग है। और तुरंत उनको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। मुझे लगता है कि इंक्वायरी कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ ऐनी गवाह है, जो जो ये सब आई विटनेस है। सुनिए, ये आई विटनेस है, और सुनिए जो भी कार्रवाई होगी वो मजिस्ट्रेट के गाइडलाइन में होना चाहिए। पुलिस को इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पुलिस जो भी इंक्वायरी करेगी डे टू डे मजिस्ट्रेट उसको देखना चाहिए, अदरवाइज इंसाफ मिलने वाला नहीं है। और सुनिए, इसमें तुरंत इनको कंपनसेशन मिले जो कम से कम 25 लाख रुपया मिलना चाहिए, और नौकरी मिलना चाहिए। और उन पुलिस वालों को जिंदगी में जेल में रहना चाहिए, उनको नौकरी के द्वारा राज्य सरकार डिसमिस करना चाहिए, डिसमिस ही करना चाहिए। ठीक है, नहीं देखिए निलंबन अनाउंस कर दिया जाता है और दूसरे दरवाजे से फिर ला दिया जाता है, ये भी हुआ है। और इन पुलिस वालों पे कोई भरोसा नहीं है, एक थैले के चप्पे बटे ये लोग हैं। आप सही मंत्रालय तक पहुंचे, मुझे सीनियर। हाँ करूंगा ना सर, जो लड़कियों लड़के लड़कियों पे सुनो, उन लड़के लड़कियों पर भी केस होना चाहिए। 302 का ही उन लोगों की वजह से मार खाया लड़का, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इतना इजी जो हुआ है बताए, सुनो बच्ची बात, सुनो बच्चे, अरे अरे इसको संभालो, इसको क्या हो रहा है, इसको संभालो जरा। सर लाइट बंद कर दी है उसको, उसके बेल्ट मारे सर, मेरे को मारे सर।
यहाँ पर देखो सर कड़ी से मार रही है सब छाती यहाँ पर भी मारे सर बच्चों छाती भी मारे सर एक लाख पानी पिलाने के लिए जा रहा था इसके लिए मार के भगाया 11 बजे बैठ रहे वो भी चौकी के सामने बिल्कुल मिलता है ना दलाली मिलता है ना भरिए लोग तो चौकी के सामने रात को 11 बजे कपल बैठा तो किसकी जिम्मेदारी का दलाली मिलता है ना चाचिया के लिए देखो तो लड़का था लड़की छोटे क्यों आई तो कुछ भी होते हैं मैं बात करूं मैं बात करूं चौकी फूंक डालेगा माधव को सुन बड़ा है ए लड़के सुन भाई सुन गलती मत दो भाई तुम लोग अपना अपना अपने आप फंसना चाहते हो क्या ऐसा गलती मत दो कानून के बारे में बात करो बेटा तुम ऐसा मत कर तुम सर जो करना है काम धारण करो अरे भाई ठीक है बच्चे को मारो सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो कानून कैसा कानून कानून मेरी बात सुनो जब तक अपने सेटिस्फाई नहीं हो जाते अनाउंसमेंट करें पैसे का और उसके बाद इसको मजिस्ट्रेट के अंडर में ही इंक्वायरी हो जब तक अपने को इसको नहीं करना कि मैं जा रहा हूँ मैं बात करूंगा समझ गया नहीं समझ गया ऐसा गाली देके और घंटा भगा देंगे क्या कर लोगे पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से एक नौजवान को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है पुलिस की लापरवाही है पुलिस के ऊपर 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए और उनके परिवार के लोगों को उचित और भारी मुआवजा मिलना चाहिए मैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर मिस्टर लक्ष्मी गौतम डीसीपी मिश्रा जी सभी से सारे हायर अथॉरिटी से मैंने बात किया मैंने मुख्यमंत्री से भी बात किया यहीं से फोन पे उनसे बात किया है और उनके परिवार को मुआवजा देने की और इनकी सबके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है एक छोटे से मामूली मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में दो लोग आते हैं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मारामारी की शिकायत है तो सबसे पहले उसको अस्पताल भेजना चाहिए फर्स्ट एड दवा देनी चाहिए ट्रीटमेंट करना चाहिए इलाज करवाना चाहिए लेकिन पुलिस ने रात को 2 बजे तक यहाँ पे बैठाए रखा उनका मारपीट की ऐसा उनके परिवार के लोगों का आरोप है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मुंबई जैसे शहर में महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये पहली बार महाराष्ट्र के ये एक कलंक लगाने का काम इस पुलिस के अंदर कुछ पुलिस के लोगों ने किया है और इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए इनसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनका कहना है आरोप ये भी है कि माँ जब लड़का जब चिल्ला रहा था पानी पाने के लिए और उनको पानी जो है नहीं दिया गया और दादागिरी से पेश आया कि असल के साथ और जिस वजह से ये जो घटना जो शुरू हुई उस दो जन को तो अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया ना ही तो उनको पिक्चर में लाया गया उस पर तो क्या कहते हैं नहीं उस पर हमने मांग की है बात की है एडिशनल सीपी एंड डीसीपी बहुत ही बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है और ये केस पूरा का पूरा क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया गया है क्राइम ब्रांच पूरी नए सिरे से पूरी इसकी जांच करेगी और जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई करेगी ऐसा उन्होंने अभी मिलने के बाद आश्वासन दे दिया पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से घटना घटी है और इसकी क्राइम ब्रांच से जांच थोड़ा और मजबूती से फॉलोअप करेंगे ताकि कोई फॉलोअप करने की जरूरत है इस केस कोई लोग बचने ही नहीं चाहिए उसकी कड़ाई से फॉलोअप करने की जरूरत है और हम लोग से जो हो सके करेंगे।